चूंकि आप एक ऐसे मुद्दे पे कर रहे हैं जिस मुद्दे के साथ मैं स्वयं बहुत वर्षों से जुड़ा रहा हूं, इसलिए दो मिनट अपनी बात कह रहा हूं। मैंने हाल ही में इस विषय पर कोई 5 दिन पहले एक लेख भी लिखा और उस लेख की पहली पंक्ति में बता देता हूं कि अगर इस देश में एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए औरतों के हाथ में राजपाट आ जाए तो सबसे पहले वो इस देश में नशाबंदी का काम करे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं देश के अलग अलग इलाकों में घूमा हूं, पिछले 4 साल से देश के कोने कोने में घूम रहा हूं, किसानों का सवाल लेके घूम रहा हूं, लेकिन जहां जाता हूं, कर्नाटका में मैंने बैठ के एक समूह को समझाया कि किसानों का फसलों का दाम कैसे बढ़ना चाहिए। अंत में औरतें बोली, भाई साहब बात बड़ी अच्छी कर रहे हो लेकिन घर में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ज्यादा पेपर आ जाएगी, क्या फायदा होगा इस चीज। हरियाणा में मैंने पदयात्रा की 10 दिन तक, जिसमें शराब का सवाल 5 मुद्दों में से एक था, जहां गए हर गांव में औरतों ने रोक रोक के कहा हमारी भाषा में, भाई तू ठेका ठाए दे, और कुछ करना हो और तो किमी ना कर, बस तू ठेका ठाए दे, कुछ करो ना करो, ये शराब का ठेका बंद कर दो। ये आज देश की हर कम से कम औरत की अंदर से पीड़ा है, उसके हृदय की आवाज है। और इस देश की सत्ता ऐसी है जो इसको सुन नहीं सकती, जिसके कान बंद हो गए हैं। आज मैं बताता हूं, आज के दिन कर्नाटका में हजारों महिलाएं 5 दिन पैदल यात्रा करके बेंगलोर पहुंची हैं, और जिस मुद्दे पे आप एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर रहे हैं उस मुद्दे पर आज कर्नाटका की हजारों महिलाएं बेंगलोर में प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले सप्ताह में यवतमाल में था, महाराष्ट्र के यवतमाल में था, वहां 10,000 औरतें यवतमाल शहर में आई थी से मांग करने के लिए जो आप कर रहे हैं, यवतमाल जिले को शराब मुक्त घोषित करवाने के लिए। तमिलनाडु में लंबी यात्रा हुई है, 200 दिन की यात्रा केवल शराब रोकने के सवाल पर। देश के अलग अलग इलाकों में ये बात उठ रही है, लेकिन इस देश के सत्ताधीश कान में मौन डाल के बैठे हैं, और वो इसलिए कि ऊपर से नीचे तक शराब के धंधे के साथ राजनीति का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। एक नंबर का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सरकारों को आबकारी का पैसा मिलता है, राज्य सरकारों का बजट शराब पे चलता है, और 2 नंबर का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर मंत्री से लेकर नीचे सरपंच तक को हर महीने नकद पैसा मिलता है शराब के पीछे। ये सच्चाई है इस देश में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, और इसलिए इस देश को नशा मुक्त बनाने का सवाल इस देश की औरत का सवाल है, इस देश के बच्चों का सवाल है। चूंकि परिवार टूट रहे हैं, घर घर में कलह है, बच्चों का बचपन समाप्त हो रहा है, और ये पूरे इस देश के भविष्य का सवाल है। हमें इसके बारे में एक स्पष्ट नीति बनानी, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस प्रश्न को मैंने बार बार उठाया है। आपने चूंकि आम आदमी का जिक्र किया तो बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली में जो ठेके थे उनकी संख्या में 2 गुना वृद्धि हो गई, 2 गुना शराब के ठेके बढ़ गए दिल्ली शहर में। तब हमने सड़क पे प्रदर्शन किया था इस सवाल को लेके कि शराब के ठेके बढ़ाते, शर्म नहीं आती तुम लोगों, क्या काम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न पे हम हमेशा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि हम इस पर एक ऐसी नीति सोचें। मैं जानता हूं 70 साल पहले संपूर्ण मद्य निषेध की एक नीति हमने बनाई, उसके कुछ प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोग से सीख के हम एक ऐसी नीति बनाए जो ज्यादा प्रभावी हो सके। उसके लिए क्या किया जा सकता है, मेरे कुछ सुझाव है जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन नशा मुक्त करना, और केवल शराब नहीं, अब तो ड्रग आ गई है, पंजाब में आ चुकी है, हरियाणा में आ गई है, दिल्ली में आ गई है, नॉर्थ ईस्ट में आ गई है, ड्रग बहुत बड़े पैमाने पे देश में आ रही है इस समय, तो शराब के साथ ड्रग को भी जोड़िए। ये बहुत बड़ा देश का भविष्य का सवाल है, और आपके इस संघर्ष में मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत